भाई क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं को मिला दिया तो बिंदुओं का सेट बन गया, तो लंबी। तो अभी यहाँ पे हमने पांच प्रकार में बहुत सारी रेखाएं होती हैं, मेन पांच प्रकार की रेखा हमने आपके मोड़ दिया ना, तो ये सीधी रेखा रही ही नहीं, ये दोनों बता दिया। अब इसको अलग अलग डील कर लेते हैं। अपोजिट है किरण, मतलब कि एक सीधी रेखा बना रही हूं, द्विभाजक अंतः कोण का समद्विभाजक अल्फा छोड़ो बीटा और गामा के बराबर हो जाएगा। नमस्कार साथियों, शिक्षा यस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड मैथ्स का एक वीडियो जहां पे संपूर्ण सिलेबस से अपन ने एमसीक्यू किया था, टोटल 25 क्वेश्चन थे, और उस वीडियो में हमने आपसे कहा था कि लाइंस एंड एंगल्स पे सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे, जहाँ पे एकदम बेसिक कंसेप्ट से आपको लाइंस एंड एंगल्स को आपको समझाने की कोशिश करेंगे और साथ में उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अब बारी है लाइंस एंड एंगल्स यानी कि रेखा एवं कोण, जो चैप्टर है ये आता है ज्योमेट्री के अंदर इसकी। चलिए देखते हैं MCQ 17, मतलब अभी तक टोटल हॉस्टल वार्डन के ही 16 MCQ अपलोड हो चुके हैं मैथ्स के, ये कौन सा है 17th नंबर का MCQ है। इसमें अपन एकदम कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स जो है ना वो ज्यामिति या ज्योमेट्री के अंदर का पार्ट है, ज्योमेट्री के अंदर आता है। इसमें ज्योमेट्री में क्या क्या आता है, एक तो आ जाता है लाइंस एंड एंगल्स जो कि हमने यहाँ पे बताया, फिर अपन को पढ़ना है ट्रायंगल त्रिभुज, ट्रायंगल, फिर अपन को करना होता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, त्रिभुज चतुर्भुज, और अपन को करना होता है सर्कल, फिर इनके कॉम्बिनेशन वाले फिगर करने होते हैं। टोटल ये पार्ट है अपना सिलेबस में, जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखेंगे ये सिर्फ हॉस्टल वार्डन के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें ज्योमेट्री आती है सभी में ये आएगा, चाहे कोई सा भी व्यापम का एग्जाम हो, चाहे CGPSC प्री का हो, उसमें भी ये चैप्टर आएंगे। तो सिर्फ हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड नहीं है, सारे एग्जाम्स आपके इस चैप्टर पे कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, लाइंस एंड एंगल्स, तो हमको देखना होता है कि पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है। तो क्या होता है बिंदु, बिंदु शून्य त्रिज्या वाला एक ऐसा वृत्त है जो कि जिसकी ना ही चौड़ाई होती है ना ही ऊंचाई होती है ना ही लंबाई होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, किसकी, बिंदु की। जैसे कि हम वृत्त बना लेते हैं, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है भाई, चलिए भाई ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं हम, इस वृत्त की शून्य त्रिज्या वाला वृत्त है। शून्य त्रिज्या मतलब यहां से सेंटर से लेके यहां तक की कोई दूरी नहीं होगी, रेडियस जीरो है, रेडियस जीरो है मतलब ये एकदम अंदर छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, और छोटा और छोटा, जितना छोटा आप बना सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये एक बिंदु टाइप का नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो ये एक्चुअल में क्या है, बिंदु ऐसा वृत्त है जिसको जूम करें तो क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, लेकिन कौन सा सर्कल, जिसका रेडियस क्या हो, जीरो हो। इसको जूम करते जा रहे हैं, जूम करते जा रहे हैं, देखो सर्कल बन गया ना, लेकिन इसका रेडियस को क्या करना है, जीरो करना है, जीरो करना है मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ना ही बिंदु की लंबाई होती है, बिंदु की क्या क्या नहीं होती, लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, और हाइट भी नहीं होती, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। तो बिंदु की ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही हाइट होती है, तो ये क्या है, डायमेंशनलेस है। क्या है, डायमेंशनलेस,
डायमेंशनलेस को हिंदी में कहते हैं विमाहीन राशि। विमाहीन मतलब इसको आप नाप नहीं सकते, क्योंकि लंबाई ही नहीं है, चौड़ाई ही नहीं है, ऊंचाई ही नहीं है, तो हम कैसे नापेंगे कि कितना सेंटीमीटर का बिंदु है। बिंदु को कभी नापा ही नहीं जा सकता। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो कितने डी बिंदु, डायमेंशनलेस मतलब जीरो डी, डायमेंशनलेस डायमेंशन ही नहीं है, विमा ही नहीं है, तो बिंदु की डायमेंशनलेस या विमाहीन है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। बिंदु को दर्शाया कैसे जाता है, जैसे ये है ना बिंदु, तो इसको लिख दो ए, तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ए, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ए कहलाएगा। तो कहीं दर्शाना है ना, तो वहां पे ए बी सी ऐसा लिखते जाओ, तो वो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी कहलाएगा। पॉइंट क्या होता है, बिंदु को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भाग हैं, संरेख बिंदु होता है और असंरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट दोनों क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट ये होता है, इसको अलग से डील करते हैं, कोलिनियर क्या होता है, ऐसे तीन या तीन से अधिक बिंदु जो किसी एक रेखा में उपस्थित हों, थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन नोन एज कोलिनियर पॉइंट। मतलब एक सीधी रेखा पे ना तीन या तीन से अधिक बिंदु हो तो वो बिंदु क्या कहलाते हैं, संरेख। संरेख मतलब एक ही रेखा में, लीनियर, एक ही लाइन में तीन या तीन से अधिक बिंदु हो ना, तो उनको क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, असंरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक रेखा में तीन दो तीन या तीन से अधिक बिंदु में, एक एक रेखा में तीन या तीन से अधिक बिंदु नहीं होते, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब नॉन कोलिनियर मतलब ना इधर 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 कहीं भी ऐसे ऐसे होंगे, तो एक लाइन नहीं खींच पा रहे, यहां एक लाइन खींच दिया लेकिन ये तो एक सीधी रेखा हुई क्या, ये रेखा कैसे हो गई ऐसी, फिर टेढ़ी फिर टेढ़ी। एक सीधी रेखा में तीन या तीन से अधिक बिंदु हो तो कोलिनियर, लेकिन बिंदु ऐसे स्प्रेड हो, ऐसे अलग अलग हो, तो ये कोई भी सीधी रेखा में नहीं है। देखो ये देखो, सब के लिए अलग अलग रेखा बनानी पड़ रही है, तो ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लाइन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या था, लाइंस एंड एंगल्स, लाइन रेखा एवं कोण। तो लाइन को समझने से पहले आपको क्या समझना था, पॉइंट समझना था। पॉइंट तो समझ लिया, अब समझते हैं लाइन। लाइन को क्या कह रहा है, रेखा बिंदुओं का ऐसा समुच्चय है जिसे दोनों विपरीत दिशा में अंतहीन रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो पहले ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं जो पहले लिखा है, रेखा बिंदुओं का समुच्चय है। इसका मतलब क्या है, रेखा सेट है किसका, लाइन इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। मतलब क्या है, ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, ये रेखा नहीं है, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स को आप एकदम पास पास लाओ, बिंदुओं को एकदम पास पास ले आओ फिक्स डायरेक्शन में। कैसे, ये पॉइंट हुआ ना बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, बिंदु 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 के ऊपर बिंदु, बिंदु बिंदु बिंदु, देखो ये क्या बन गई, ये पॉइंट्स 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 का समुच्चय, समुच्चय सेट, सेट बन गया, सेट बन गया। बिंदुओं को, बहुत सारे बिंदुओं को साथ में ले आए हम, तो क्या बन गया, ये आपको रेखा टाइप के नहीं दिखाई पड़ रहे, ये देखो जी, ये रेखा टाइप के नहीं दिखाई पड़ रही, ये देखो लाइन बन गई कि नहीं, ये लाइन बन गई, ये एक लाइन नहीं बन गई। कब बनी ये लाइन, सर ये लाइन बनी तब है जब हमने क्या किया है, देखो
हमने लाइन नहीं खींचा, हमने क्या खींचा है? बिंदुओं का सेट खींचा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन नहीं है, ये लाइन है ही नहीं। हमने क्या खींचा है? बिंदुओं को आपस में एकदम ऐसा मिलाया कि वो किस प्रकार के लगने लग गए। एक लाइन देखो, ध्यान से जूम और करेंगे तो आपको दिखेगा पॉइंट 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 के ऊपर एकदम ऐसा सेट बना दिया बिंदुओं का एकदम पास पास में, तो वो किस प्रकार के लगने लग गए? लाइन लाइन लगने लग गए, रेखा लगने लग गए। तो लाइन क्या होता है? लाइन कुछ भी नहीं होती, बिंदुओं का ऐसा समुच्चय सेट है किसी खास डायरेक्शन में। बहुत सारे बिंदुओं को जोड़ दिया तो एक लाइन बन गई, ठीक है सर। जिसे दोनों विपरीत दिशा में, मतलब कि दोनों दिशा में, मतलब कि इस तरफ भी और इस तरफ भी, अंतहीन रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसको ऐसे खींच दो, जितना मर्जी चाहे खींचते जाओ, इसको खींचते जाओ, दोनों तरफ एरो है ना, तो जितना मर्जी आप इसको खींचते जाएं, अंतहीन रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है? एक लाइन कहलाती है, रेखा कहलाती है। इसको आप बढ़ाते जाओ, आपका मन कर रहा है और खींचते जाओ और खींचते जाओ और खींचते जाओ, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कहीं पे रुकती नहीं है लाइन। लाइन को आप कितना भी बढ़ा सकते हो, कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई अंत बिंदु नहीं होता। एक चीज और समझनी है, इसकी सिर्फ क्या होती है? कहा है लंबाई, इसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई ब्रेथ और ऊंचाई मतलब हाइट नहीं होती। इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत सारे बिंदुओं को अपन ने जोड़ा ना, ये बिंदु थे भाई, इन बिंदुओं को अपन ने बहुत सारे बिंदुओं को जोड़ लिया, ठीक है सर, ये बहुत सारे बिंदुओं को जोड़ लिया। अब देखो, कोई एक बिंदु को यदि हमने पकड़ा, किसी एक बिंदु को यदि हमने पकड़ा, तो उसकी क्या लेंथ होगी? इस बिंदु की लेंथ होगी क्या? नहीं, एक बिंदु का लेंथ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे बिंदुओं को जब मिला दिया ना ऐसे, तो सब जुड़ गए, तो इनकी तो लंबाई हो गई। एक बिंदु की चौड़ाई नहीं है, लेकिन इसकी भी तो, लाइन की भी तो चौड़ाई नहीं है, क्योंकि एक बिंदु की नहीं है, तो ये लाइन तो पूरी बिंदुओं से बनी है, तो इसकी भी चौड़ाई नहीं होगी। ऊंचाई भी नहीं है, तो लाइन की ना ही चौड़ाई होती है ना ही ऊंचाई, सिर्फ क्या होती है? लंबाई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं को मिला दिया तो बिंदुओं का सेट बन गया, तो लंबी हो गई, इसलिए लाइन कहलाती है। तो लाइन क्या होती है? सिर्फ लंबाई होती है। ये बात क्लियर हो गई कि लाइन में क्या होती है? सिर्फ लंबाई। इसलिए याद रखेंगे, लाइन कौन सी? वन डायमेंशनल क्वांटिटी है, 1D है। क्या है? 1D, वन डायमेंशनल क्वांटिटी है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी, ये बात और कि बिंदु लाइन को दोनों तरफ आप कितना भी खींच सकते हो। नेक्स्ट जो है वो क्या है? रे, किरण। किरण क्या होती है? आपने देखा कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसको इधर खींच दो, इधर खींच दो, एरो है ना, मतलब इसको कहीं भी बढ़ा सकते हो, इसको कितना भी बढ़ा सकते हो। किरण क्या है? किरण का एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट है, और इसको कितना भी बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, जितना बढ़ा सकते हो, लेकिन इसका एंड पॉइंट है, इसको नहीं खींच सकते, तो ये किरण हो गई। ये देखो, ये एंड पॉइंट है, इस तरफ एरो है, इसको खींच सकते हैं। क्या लिखा है? किरण एक सीधी रेखा का ऐसा हिस्सा है जिसका एक अंत बिंदु होता है, यहाँ पे अंत बिंदु है, दूसरे बिंदु का अंत नहीं होता। अब आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे सन है, सन, सूर्य, सूर्य से किरण निकलती है, सूर्य से रेखा नहीं निकलती, प्रकाश की किरण निकलती है। इसका मतलब ये कि सूर्य से निकल रही है, ये पीछे इधर नहीं जाएगी, सूर्य के अंदर, ये सिर्फ ऐसे जाएगी, प्रकाश की किरण बोलते हैं ना, तो ट्यूब लाइट से जब लाइट निकलती है तो वो ऐसे ही जाएगी, ऐसे ट्यूब लाइट के अंदर नहीं जाएगी। इस लेज़र लाइट से ऐसे समझो, लेज़र है, यहाँ से आपने जलाया तो लेज़र लाइट ऐसे निकलती जाती, एक तरफ जाती है, पीछे नहीं जाती लेज़र, तो वो भी क्या है? किरण है। तो उम्मीद करते हैं रे और लाइन में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, किरण और रेखा में। किरण का एक अंत बिंदु होता है, उसका अंत बिंदु नहीं होता, दोनों तरफ अपन खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट,
रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक छूट गया, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये देखो, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड। जैसे ये लाइन है ना, ये तो रेखा है ए बी, हमने दर्शा, इसको कितना भी खींच सकते हो, लेकिन इसको हमने एक काट दिया, काट दिया मतलब फिक्स कर दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट ए बी, तो ये पॉइंट फिक्स हो गए ना, तो ये रेखा खंड है, रेखा के एक खंड है। जैसे आपको बचपन में कहा जाता था, रेखा खंड ए बी 10 सेंटीमीटर खींचने पर, मतलब रेखा का एक खंड है, पार्ट है, सेगमेंट है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये लाइन टोटल हो गई। रेखा खंड की बात करें तो यहां से यहां होगी, ये रेखा खंड हो जाएगा ए बी, ये रेखा खंड हो गया इसका भाग। तो रेखा खंड क्या है, किसी लाइन का भाग है। तो रेखा खंड को ऐसे डिनोट करते हैं, कैसे, ए बी, उसके ऊपर ऐसा एरो नहीं रहता, किरण को एक तरफ एरो रहेगा ए बी, रेखा में दोनों तरफ एरो रहेगा, बिंदु में सिर्फ, हमने बताया ना पॉइंट, उसके ऊपर सिर्फ पॉइंट रहेगा, बिंदु रहेगा, ये ऐसे डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन है। एक चीज और याद रखें, हम सामान्यतः रेखाखंड को क्या कहते हैं, रेखा कह देते हैं, सामान्यतः रेखाखंड को ही क्या कह देते हैं, रेखा, कि रेखा ए बी, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, रेखाखंड है। क्यों, क्योंकि रेखा यदि कहेंगे तो उसको तो अंतहीन रूप से कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी इधर भी, लेकिन हम रेखाखंड को ही रेखा कह देते हैं, मतलब अक्सर बोलचाल की भाषा में रेखाखंड को रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लाइन्स, कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं, ये पढ़ना है। तो अभी यहाँ पे हमने पांच प्रकार में, बहुत सारी रेखाएं होती हैं, मेन पांच प्रकार की रेखा हमने आपके सामने रखा है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स या फिर प्रतिच्छेदित रेखा, पैरेलल लाइन्स, समांतर रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन्स, लंबवत रेखाएं, कॉन्करेंट लाइन्स, संगामी रेखाएं, एवं तिर्यक रेखाएं, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसको, इतने प्रकार की रेखा को अपन अलग अलग देखते हैं, डील करते हैं कि क्या होती है इंटरसेक्टिंग, पैरेलल लाइंस, ये सब लाइंस क्या होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट, पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ भी नहीं होती, दो रेखा ना जब किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। दो या दो से अधिक, जैसे कि ये तीसरी रेखा कट कर दिया, ये भी इंटरसेक्टिंग, ये दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो क्या करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये रेखा और ये रेखा, तो दो रेखाएं हो गई प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये जैसे हमने खींच दिया, ये भी होंगी, चलिए ठीक है भाई। नेक्स्ट, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा क्या है, वे रेखाएं हैं जैसे ए बी और सी डी, ये देखो लाइन सेगमेंट हो गया ना, इसके बीच में डिनोट किया है, कट कर दिया है, इसको लाइन सेगमेंट है और दोनों पैरेलल हैं, लेकिन इसको हम रेखा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रेखा कह रहे हैं, इसलिए हमने कहा था ना रेखा खंड को सामान्यतः रेखा कह दिया जाता है। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, कब पता चलेगा, जब इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे कम दूरी ना बराबर होगी, ये दूरी बराबर होगी, ऐसे वाली दूरी की बात नहीं कर रहे, ऐसे एकदम परपेंडिकुलर बराबर होगा। आपने देखा होगा रेलवे का ट्रैक, वो कभी नहीं मिलते, एकदम बराबर होते हैं, सेम वो ये दूरी हमेशा बराबर होगी, कभी भी एक दूसरे की तरफ नहीं मुड़ेंगी, तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखा कहलाती हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे के तरफ मुड़ेंगे नहीं, टिल्ट नहीं होंगी, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। चलिए संगामी रेखा, प्रतिच्छेदित तो करती हैं लेकिन एक पॉइंट पे ही दो से अधिक रेखा, देखो यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं, तब ये कौन सी रेखाएं कहलाएंगी, संगामी कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी। अब एक चीज और समझो, एक बिंदु से होकर कितनी रेखा गुजरी,
तीन या तीन से अधिक। और रेखा गुजर सकती है क्या? बिल्कुल, एक रेखा और गुजर सकती है, 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 बिल्कुल। हाँ सर, जितना मन चाहे उतना गुजार लो। मतलब क्या बात समझ में आई? किसी एक बिंदु से होकर, इस बिंदु से होकर अनगिनत लाइन होकर गुजर सकती हैं। अनगिनत, अनगिनत मतलब इनफाइनाइट, इसको आप गिन नहीं सकते, नहीं गिन सकते। इस बिंदु से होकर बहुत सारी लाइन होकर गुजरेंगी। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा यहीं पे। क्या बात समझ में आई कि एक बिंदु से होकर बहुत सारी लाइंस गुजर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर क्या होता है? जैसे ये रेखा है ना, इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसा। ये रेखा बनाए, रेखा जब भी बनाते हैं एरो खींचना जरूरी है। परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, ये कोण है, ऐसा कोण बनाते हैं ना, ये कोण हो जाता है। लेकिन जब भी ऐसा कोण बनाया, इसका मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। इस तरफ भी ऐसा होगा, ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो याद रखेंगे, ये यदि ए बी लाइन है ना, तो ए एम क्या है? ये ए बी हो गया ना, तो ये सी डी ले लेते हैं, सी डी। तो क्या बोलेंगे? ए बी पर कौन परपेंडिकुलर है? सी डी। तो क्या कहेंगे? सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी लंबवत है किसके? ए बी के। परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है, ऐसा और ऐसा, याद रखेंगे। ये साइन किसका है? परपेंडिकुलर का, लंबवत का। लंबवत रेखाएं हैं ये। अब देखो, ये हमने यदि इसको बढ़ा दिया ऐसे, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। लंब समद्विभाजक, क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक। ये बाइसेक्टर हो गया। अब याद रखो, ये 90 डिग्री, ये ऐसा है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो देखो, पूरा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 9, 90, 90, 90, 90, तो टोटल कितना डिग्री हो गया? टोटल कितना डिग्री हो गया? वहीं से चलना स्टार्ट किया, वहीं पहुंच गया। कितना डिग्री? 360 डिग्री। आपने देखा होगा क्रिकेट में मिस्टर ए बी डिविलियर्स को क्या कहते थे? मिस्टर 360 डिग्री, क्योंकि वो हर जगह शॉट मार लेता था, हर कोने में, हर डिग्री में। तो 360 डिग्री मतलब टोटल कंप्लीट एंगल को 360 कहते हैं। मतलब यहीं पे एक बात और समझ जाओ, इस लाइन के एक तरफ कितना डिग्री? 180, और इस तरफ कितना डिग्री? इस पॉइंट के एक तरफ 180, और इस तरफ कितना? 180। तभी तो टोटल जो डिग्री हो जाएगी, टोटल 180 और 180 360 डिग्री हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई। परपेंडिकुलर लाइंस जब भी होती हैं क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल लाइन। दो रेखाएं हैं, उनको कोई तीसरी रेखा कट कर रही है। जैसे यहां ए बी और सी डी है, ये पैरेलल है, मान लेते हैं समांतर हैं। उसको तीसरी रेखा कट कर रही है ना, तो ये ट्रांसवर्स लाइन कहलाती है, तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। तो कोई रेखा ऐसे कट कर रही है, देखो ये पैरेलल नहीं है, फिर भी ये रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। और रेखा खींचे हैं तो दोनों तरफ एरो लगाना तो जरूरी है, जरूरी है। ये उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, तिर्यक रेखा मतलब कट करने वाली रेखा। अब देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने के लिए जो तथ्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़िए। पॉइंट नंबर वन क्या कहता है? पॉइंट नंबर वन कहता है, ए लाइन कंटेंस इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। मतलब एक लाइन में
असीमित रूप से बहुत सारे बिंदु होते हैं। यह तो हमने बताया है कि बहुत सारे बिंदु मिलकर ही एक रेखा का निर्माण करते हैं, तो ये बात तो पता है। एक रेखा में अपरिमित रूप से मतलब असीमित रूप से बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनेक बिंदु होते हैं। बहुत बढ़िया। केवल एक ही रेखा किन्हीं दो विशेष बिंदुओं से होकर गुजरती है, जैसे कि ये बिंदु हैं, एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, दो विशेष बिंदु हैं। इन दोनों पॉइंट से बिंदुओं से होकर गुजरने वाली ये एक ही रेखा है। एक ही रेखा पॉसिबल है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरेगी, और कोई रेखा आप नहीं खींच सकते। क्यों सर? ऐसे अगर खींच दिया तो, ये तो खींच दिया, लेकिन ये कर्व लाइन है, कर्व वक्री रेखा है, सीधी रेखा नहीं है। और हम जब भी रेखा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सीधी रेखा की बात करेंगे। तो दो बिंदुओं से कोई भी दो बिंदु खींच लो, ऐसा ऐसा खींच लो, इनसे होकर गुजरने वाली यही रेखा होगी, और कोई रेखा आप ड्रॉ नहीं कर सकते। एक रेखा यदि खींचना है, अगर आप दूसरी रेखा खींचना चाहें सीधी ही, ये बिंदु था तो ऐसे खींच सकते हो, लेकिन ये तो दो रेखा हो गई, कौन सी? ये वाली और ये वाली। तो किसी भी दो बिंदु से होकर गुजरने वाली सिर्फ एक रेखा पॉसिबल है, ये कह रहा है पॉइंट नंबर टू। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, किसी एक बिंदु से होकर अनंत रेखा गुजर सकती हैं, ये तो हमने बताया है। किसी एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? अनंत रेखाएं, जितनी रेखा खींच सकते हो आप उतनी खींच लो। एक बिंदु से होकर अनंत रेखा गुजर सकती हैं। दो भिन्न रेखाओं का प्रतिच्छेदन सिर्फ एक बिंदु पर होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंस लाइन इज अ पॉइंट, मतलब दो बिंदु, दो लाइन है ये, और मान लेते हैं ये, इनका इंटरसेक्शन इस बिंदु पर होगा, ये कह रहा है। तो दो लाइंस का इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन सिर्फ एक बिंदु पर होगा, और किसी दूसरे बिंदु पर नहीं हो सकता। इन दोनों का, ये दोनों कभी और नहीं मिलेंगी, यहीं पे मिलेंगे। अगर ऐसे मोड़ दिया ना तो ये सीधी रेखा रही ही नहीं। ये दोनों रेखा सिर्फ एक बार मिलेंगी और एक ही बिंदु पर मिलेंगी, ये कह रहा है। चलिए, ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। देखिए, ये जो क्लास की पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में मिल जाएगी। शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहां पे जाके आप ये पूरा का पूरा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आ जाते हैं कोण में। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? बिंदु पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया, लाइन का टाइप पढ़ लिया। कोण क्या होता है? कोण को क्या कहते हैं? सिंपल साधारण भाषा में कहें तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज नोन एज एंगल। देखो, दो लाइंस हैं, ये एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, इनके बीच के झुकाव को, इनके बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। याद रखेंगे, एक रेखा ए, एक रेखा बी, ये सी मान लो। किसी ज्यामिति आकृति में दो किरणें या रेखाएं जब समापन बिंदु, ये समापन बिंदु है, इसका समापन बिंदु है क्या? नहीं, ये तो इधर एक्सटेंड कर सकते हो। समापन बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोण कहते हैं। और इस समापन बिंदु को क्या कहेंगे? शीर्ष कहते हैं, हिंदी में शीर्ष, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज और लाइंस दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट is called an angle and common meeting point is known as vertex. इसे क्या कहा जाता है? vertex कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। यहीं पे और एक बात समझो, यदि हमने क्या किया होता, ये है, ये है, इस लाइन को, ये ए बी को हम पीछे खींच दे रहे हैं, तो ये तो कोण बन गया ना,
ये भी एक कोण बन रहा है। देखो इसको हम कहते हैं अंतःकोण। क्या कहते हैं? अंतःकोण। इसे हम कहते हैं बाह्य कोण। क्या कहेंगे? बाह्य कोण कहेंगे। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल, जब भी किसी लाइन को खींचो तो ये बाह्य कोण हो जाएगा। अच्छा ये ऐसे बना था, ए बी सी ऐसे था, हमने ये इसको खींच दिया। मान लो इसको ना खींच के ये ए सी को खींचे होते तो ये बाह्य कोण हो जाएगा। ये तो अंतः कोण है, ये बाहर बन रहा है ना, तो ये बाह्य कोण हो जाएगा। सर आप बोलोगे ये बड़ा बाह्य कोण हमेशा बड़ा होता है क्या? नहीं। ये लो अब ये दो लाइंस पे ये कोण बन रहा है, हमने क्या किया इसको बाहर कर दिया, अब ये बाह्य कोण हो गया। तो याद रखो किसी भी लाइन को एक्सटेंड करने पे, खींचने पे, बढ़ाने पे जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? उस शीर्ष का, इस ए शीर्ष का बाह्य कोण है ना, ये किसका बाह्य कोण है? इसका ए का, वर्टेक्स ए पर बाह्य कोण है, वर्टेक्स ए पर बाह्य कोण है, शीर्ष ए पर बाह्य कोण है। इस शीर्ष का बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अच्छा एक्सटीरियर एंगल ये देखिए, शीर्ष पर बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो रहा बी, बी का ये अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है, और ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी इज अल्फा, वर्टेक्स शीर्ष बी पर अंतः कोण अल्फा है, और एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण क्या है? बी है, बीटा है। अब ध्यान रखो ये अंतः कोण और बाह्य कोण मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो ये एक सीधी लाइन बन गई, और सीधी लाइन के एक तरफ कितना डिग्री का कोण होता है? हमने कहा है 180 डिग्री का। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। याद रखेंगे कौन सा अंतः कोण? जिसका अंतः कोण है उसी का बाह्य कोण। जैसे B का अंतः कोण है ना, B का इंटीरियर एंगल, वर्टेक्स B पर इंटीरियर एंगल, तो वर्टेक्स B का ही है बाह्य कोण, इसी का एक्सटीरियर एंगल। याद रखिएगा ये बात। चलिए नेक्स्ट, कोणों के प्रकार। अभी तक अपन ने लाइंस के प्रकार देखे थे, अब कोण के प्रकार कैसे हो सकते हैं ये देखते हैं। तो ध्यान रखेंगे कोण के टोटल 6 प्रकार से कोण को डिवाइड किया जाता है। कैसे कैसे डिवाइड करना है देखो ध्यान से सुनना। एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं हम, एक लाइन खींच रहे हैं ऐसे, इसी से सारा समझ में आ जाएगा। इसको अलग से डील करेंगे ये सबको अलग से, लेकिन यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो न्यून कोण क्या है, ये एक रेखा है, मान लो ये एक रेखा है, ये 90 डिग्री हमने कहा है, ये बताया है 90 डिग्री। न्यून कोण क्या है? 90 डिग्री से छोटा कोई सा भी कोण हो वो न्यून कोण कहलाएगा। तो 90 से छोटा तो यहाँ पे कोई भी कोण बनेगा ना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा न्यून कोण। सम कोण क्या है? एकदम 90 डिग्री का कोण ही क्या कहलाता है? सम कोण। तो न्यून कोण तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कोई भी खींच दो ऐसा ऐसा ऐसा, ये न्यून कोण हो जाएगा। सम कोण क्या होगा? एकदम 90 डिग्री में, बीच में। अधिक कोण क्या होगा? 90 से अधिक, ये 180 है, 180 से कम, ये अधिक कोण हो गया। सरल कोण, सीधा कोण, ऋजु कोण क्या होगा? 180 डिग्री, जैसे ना ये सम कोण है, 180 डिग्री क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री, तो एकदम सीधा स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाता है? 180 से बड़ा, ये 180 हो जाएगा, इधर खींचा तो 180, इससे बड़ा ये वृहत कोण।
या फिर 180 से बड़ा और किससे छोटा, 360 तो पूरा हो जाता है, 360 से छोटा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये भी ये भी ये भी पूरा का पूरा कोण, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा वृहत कोण कहलाएगा। याद रखेंगे वृहत कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण क्या हो जाता है, ये 360, ये है ना, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा कोण क्या कहलाता है, 360 डिग्री कहलाता है। तो ये आपको हमने बेसिक बता दिया, अब इसको अलग अलग डील कर लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या है, थीटा डिग्री है, थीटा जो है एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब पहले क्वाड्रेंट में इतने इसके अंदर कोई सा भी कोण बन जाए वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। नेक्स्ट, किसी डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, थीटा का मान एकदम 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, वो थीटा क्या कहलाती है, वो कहलाती है समकोण। चलो भाई नेक्स्ट, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा तो क्या कहलाएगा, वो अधिक कोण कहलाएगा। ये देखो थीटा जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा तो वो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। अब 180 डिग्री पर बनने वाला कोण स्ट्रेट एंगल कहलाता है, ये एकदम थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री, ये भी हमने बताया है। वृहत कोण क्या हो जाता है, ये वाला 180 से बड़ा और 360 से छोटा, 180 से बड़ा होगा थीटा, ये थीटा है, ये बाहर ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, बाहर वाला 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो ये वृहत कोण हो जाएगा और ये भी वृहत कोण हो जाएगा। भाई देखो ये भी वृहत कोण हो जाएगा, ये भी वृहत कोण है थीटा, ये भी वृहत कोण है, याद रखेंगे। रिफ्लेक्स एंगल ये भी है, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है, ये भी थीटा की वैल्यू जो है रिफ्लेक्स एंगल है, देखिए 180 से बड़ा 360 से छोटा। नेक्स्ट, कंप्लीट एंगल क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ये जो येलो पार्ट है ना, हम एंगल बनाते हैं, एक लाइन ऐसे लेते हैं, दूसरी लाइन ऐसे ले लेते हैं, तो ये एंगल बन गया, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो इसी लाइन के ऊपर खींच दी, तो पूरा का पूरा ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो गया, इसी को क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। 6 प्रकार के कोण को हमने 5 मिनट में आपको डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर के जितने कंसेप्ट है वो आज ही अपन इसी क्लास में करेंगे, कंसेप्चुअल क्लास है, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में ना पूरा का पूरा लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन अपन कर लेंगे। चलिए, कोणों के युग्म, युग्म मतलब क्या होते हैं, पेयर, पेयर मतलब याद रखिएगा, जब भी युग्म बोलता है दो पेयर, दो कोण आएंगे, किसका बोल रहा है, कोणों का, किसका, कोण का, युग्म, युग्म मतलब पेयर होता है, तो कितने कोण आएंगे, दो कोण कम से कम आएंगे। कितने प्रकार के युग्म हो सकते हैं, 4 प्रकार से हमने इसको डिनोट किया है। आसन्न कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोणों का रैखिक युग्म। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण, ये 4 प्रकार से डिनोट किया है। एडजेसेंट आसन्न मतलब क्या होता है, यहीं पे समझें, आसन्न मतलब ना बगल वाला, एडजेसेंट बगल वाला, तो आसन्न कोण मतलब क्या हो जाएगा, बगल वाला। चलो देखो आसन्न कोण क्या कहलाता है, जैसे ये आसन्न कोण है, अल्फा और बीटा दो कोण हैं जो एक दूसरे के आसन्न हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। जब भी एडजेसेंट कोण होते हैं ना, तो एक उभयनिष्ठ कॉमन लाइन होती है, उस लाइन, वो कोण के कॉमन लाइन ये होगी, उसके एक तरफ एक कोण और दूसरी तरफ
दूसरा कोण बनेगा, एडजेसेंट एंगल बनेंगे। तो एक तरफ एक कोण अल्फा, दूसरी तरफ बीटा बन रहा है, उभयनिष्ठ भुजा कॉमन लाइन है जो इस वर्टेक्स पे। चलो अब देखो, जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो लाइन कॉमन नहीं है एंगल में, वो इस कॉमन लाइन के एक तरफ होगी। जैसे ये लाइन कॉमन नहीं है एंगल में, बीटा में ये लाइन नहीं आती, बीटा में अल्फा में ये लाइन नहीं आती, तो जो कॉमन नहीं है ना, इस कॉमन लाइन के एक तरफ एक और दूसरी तरफ दूसरी हो जाएगी। ये उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। तो इसे क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स ठीक है, एंड कॉमन लाइन, कॉमन आर्म, कॉमन आर्म मतलब एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। नन कॉमन आर ऑन नॉन, नन नहीं है ये, नॉन है, एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब जो कॉमन आर्म नहीं है वो इस कॉमन आर्म के, कॉमन भुजा के, उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ और एक तरफ होंगी, दोनों तरफ होंगी। मतलब चलो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। रैखिक युग्म क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सबसे पहले लीनियर मतलब क्या होता है ये समझिए, लीनियर मतलब होता है रेखा, रैखिक, एक सीधी रेखा, ये लीनियर हो गया। अब ये रेखा है तो ऐसे बना देंगे। चलिए अब इनका पेयर बन रहा है, तो ये तो इस तरफ बना है ना, तो ये अल्फा और बीटा ये दोनों रैखिक युग्म में होंगे, मतलब क्योंकि एक रेखा में, एक सीधी रेखा में बन रहे हैं। ये सीधी रेखा में नहीं बना है, ये देखो ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, ये एक सीधी रेखा डीसी जो रेखा है इस पे बन रहे हैं, एक तरफ अल्फा और एक तरफ बीटा। जरूरी है क्या ये इधर ही होगा, नहीं, ये जो दूसरा एंगल है ना, ये हो सकता है इस तरफ भी हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो सकता है इस तरफ भी हो जाए भाई। तो ये अल्फा और ये बीटा, अब ये सीधी एक रेखा है, लाइन है, मान लेते हैं क्या लिखा है, डी बी सी, और ये क्या है, ए है। चलो भाई देखो, अब ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। हम जानते हैं एक सीधी लाइन में पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये रैखिक युग्म का एक रिजल्ट है, याद रखेंगे, रैखिक युग्म में लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं ना, तो जो लीनियर पेयर में एंगल है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हमेशा याद रखेंगे 180 डिग्री होता है। देखो ए बी सी व ए बी डी ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों किरणें एक दूसरे के अपोजिट हैं, कह रहा है अपोजिट हैं किरण, मतलब कि एक सीधी रेखा बना रही होंगी। चलिए नेक्स्ट, पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, जैसे ये एक कोण है, ये थीटा है, ये थीटा है मान लो, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरा कोण मतलब ना इसको पूरा 90 डिग्री बनाना है, कितना डिग्री बनाना है 90 डिग्री। तो आप तो जानते हैं ये यदि 90 डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री है तो इस, ये अभी हमने खींचा ना, तो इसको हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, ये 90 डिग्री बनाना है तो ये पूरा 90 डिग्री बन गया। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है भाई, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 90 है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से ये थीटा नहीं लेना, ये वाला थीटा नहीं लेना, 90 में से थीटा नहीं चाहिए, 90 में थीटा नहीं चाहिए तो घटा दिया तो ये आ गया, तो ये कितना आया 90 माइनस थीटा। तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, किसी भी डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे थीटा एक डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जैसे 5 डिग्री का एंगल खींचा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 85 डिग्री, क्यों, 90 में 5 घटा दिया कितना डिग्री आया 85 डिग्री। यदि 70 डिग्री का एंगल बनाया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 में 70 घटाया 20 डिग्री, कितना डिग्री 20 डिग्री। तो ध्यान दो, ये बीटा है, बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया अल्फा, और ये अल्फा कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा। क्यों हो जाएगा 90 माइनस बीटा, सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आपने ही कहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, तो बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस बीटा। सिंपल सी बात है, देखो पूरक कोण निकालना है ना, 90 में घटा दो, पूरक कोण निकालना है 90 में घटा दो, थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा, 90 में घटा दो, बस इतनी सी बात है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 में घटा दो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब 90 माइनस थीटा सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस थीटा, कितना डिग्री 180 माइनस थीटा डिग्री, ये आपको समझना है। तो देखो एक डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 90 में एक घटाया 89, 180 में एक घटाया 179, कितना डिग्री 180 में एक डिग्री घटा दिया 179। नेक्स्ट यदि हमसे पूछा गया 10 डिग्री का, तो सर 90 में 10 घटा दिया 80, 180 में 10 घटा दिया 170, क्या बात है सर, बहुत मजा आ रहा है। यदि हमने कहा कि घटाओ निकालो थीटा की वैल्यू 50 है, अब निकालो ना कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, 90 माइनस थीटा 40 हो जाएगा, 180 माइनस 50 डिग्री कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। तो एक रिजल्ट हम बताने वाले हैं, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, हमेशा याद रखना, ये जो एंगल है कितना डिग्री है, थीटा डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट थीटा का सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, इस एंगल का सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, किसी भी एंगल का, किसी भी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री, समपूरक और पूरक के बीच का डिफरेंस 179 में 89 घटा दिया, 9 में 9 घटा 0, 17 में 8 गया 90, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस 90, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस कितना 90, 170 में 80 घटा दिया 90, 130 में 40 घटा दिया 90 डिग्री। तो क्या बात समझ में आई, किसी भी एंगल का, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस क्या होता है 90 डिग्री होता है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी, एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट कर लेंगे।
कि किसी भी कोण के सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण का अंतर 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट देखो, सारे कंसेप्ट आज ही करने हैं, सारे कंसेप्ट आज कर लेते हैं। जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको एकदम नोट्स बनाते जाएंगे। किसी भी बिंदु के, जैसे ये एक बिंदु है, मान लेते हैं ये एक बिंदु है, बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ, ये ऐसा एक बिंदु यहाँ पे है, इसके चारों तरफ कोण कितना डिग्री होता है, हमने क्या बताया है 360 डिग्री, तो वही बताना है। देखो जैसे ये बिंदु है, ये एक तरफ थीटा वन हो गया, थीटा टू हो गया, थीटा थ्री, थीटा फोर, तो क्या हो रहा है, ध्यान देते जाना, थीटा वन यहाँ से यहाँ गए, ये थीटा टू, थीटा वन थीटा टू, ये वाला तो 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन के एक तरफ है थीटा वन थीटा टू, इस लाइन के इस तरफ है, सेम थीटा थ्री और थीटा फोर इस तरफ है, तो ये भी 180 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री। वही कह रहा है कि लाइन के चारों तरफ जो कोण हो, बिंदु के चारों तरफ जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट जो है, रेखा के एक और कोण हमने बताया है, ये भी फिर से, रेखा के एक तरफ कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि एक लाइन के एक तरफ कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, इसको बड़े प्यार से समझना है। सम कोण तो जानते हैं, द्विभाजक, बाइसेक्टर, देखो सम हमको, हम हिंदी के टीचर हैं नहीं, पर हम जो समझ में आता है उस हिसाब से इसको तोड़ते हैं। सम, सम मतलब समान, आपको भी ऐसे याद रखना है। सम, सम मतलब समान, द्वि, द्वि मतलब क्या हो जाएगा, दो, भाजक मतलब बांटने वाला, बांटना। तो क्या कोण को, समद्विभाजक के पहले क्या लिखा है, कोण, कोण को दो समान भागों में बांटना। एंगल बाई, बाई मतलब टू, दो, सेक्टर बाइसेक्ट करना मतलब बराबर दो भागों में बांटना। तो जैसे कि ये कोण दिया है ना, ये दिया गया है आपके सामने, हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये कोण है, ये कोण है, इस कोण को ये टू अल्फा है, कितना है 2 अल्फा, इस 2 अल्फा को हम बाहर लिख रहे हैं। एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लो जो इस 2 अल्फा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे। ये लाइन, ये देखो, ये एक लाइन खींच दी हमने, ये 2 अल्फा को दो बराबर भागों में, मतलब ये अल्फा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। दो बराबर भागों में बांट दिया, क्योंकि ये ड्रॉ किया है ना, तो इसको डॉटेड लाइन में बना लो, डॉटेड लाइन में, तो ये क्या बन गया, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये है बी, ये है सी, ये है ए, और ये लाइन है डी। तो जो बी डी है ना, रेखा बी डी, वो एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया, वही ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, इस कोण को दो समान भागों में बांट रही है, इसलिए क्या कहेंगे, कोण समद्विभाजक कहेंगे। अब याद रखें, ये कोण
कौन सा कोण है, ये अंदर बन रहा है ना, इस वर्टेक्स के, वर्टेक्स शीर्ष, इस शीर्ष के अंदर बन रहा है इस तरफ, तो ये अंतःकोण हो गया। तो ये कौन सा कोण समद्विभाजक कहलाएगा, अंदर के कोण को काट रहा है, किसको, अंदर के कोण को, तो अंतःकोण समद्विभाजक कहलाएगा। इसको हम अच्छे से बताएंगे और टेंशन नहीं लो। कोण समद्विभाजक दो भागों में बनाया जा सकता है, अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक। ये क्या बता रहे हो सर, ये समझ में नहीं आया, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो पहले हम बाइसेक्टर छोड़ देते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल देखते हैं। तो क्या होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर, पहले हम बनाते हैं एक कोण, ये कोण बना लिया, बहुत बढ़िया सर, ये कोण ड्रॉ कर लिया हमने। चलो सर, ये कोण बना लिया, ये कोण बन गया। अब देखो ये कोण की वैल्यू है 2α, कितनी है मान लेते हैं 2α। इस कोण को हम बाहर और खींच देते हैं, इस कोण को ना हम बाहर खींच देते हैं, बाहर खींच देते हैं मतलब ध्यान से देखना, इस कोण को और बढ़ा देते हैं, इस लाइन को, मतलब इस लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, बाहर बढ़ा दिया। अब देखो बाहर क्योंकि बढ़ा रहे हैं तो डॉटेड लाइन में बना लेते हैं। अब ध्यान देना, ये कौन सा कोण हो जाएगा बाबू, ये अंतःकोण, तो ये बाह्य कोण नहीं हो जाएगा, ये बाह्य कोण हो गया सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये कितना है 2β है, 2β। अब ध्यान दो, हम जब अंतःकोण खींचेंगे, ये अंतःकोण है, इसका द्विभाजक खींचते हैं, इसका द्विभाजक खींचेंगे तो ये नहीं हो जाएगा, अंतःकोण का समद्विभाजक, अंतःकोण का समद्विभाजक होगा, मतलब ये 2α को दो बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा ना, दो बराबर भागों में बांट लेगा, मतलब कैसा बांटेगा सर, ये हो जाएगा अल्फा, इसको मिटाते हैं हम थोड़ा सा, ये देखो ये क्या हो जाएगा, अल्फा नहीं हो जाएगा, टोटल था 2α, तो ये हो जाएगा सर अल्फा, और ये भी अल्फा, ठीक है सर। हम खींचते हैं अंतःकोण का समद्विभाजक, तो ये क्या कहलाया, अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण समद्विभाजक। आपको यहां पे दिख रहा है अंतःकोण समद्विभाजक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब यदि हम यहीं पे क्या करें, आपके सामने दूसरा कोण समद्विभाजक खींचते हैं, ये तो बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण समद्विभाजक यदि खींच दिया, बाह्य कोण समद्विभाजक मतलब ये, मतलब ये क्या करेगा, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, टोटल 2β है ना, तो ये बीटा और ये भी कितना बीटा। अब देख लो ये क्या हो गया, बाह्य कोण है, ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, तो इसका समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, अंतःकोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक। अब एक चीज देखिएगा आप ध्यान से, जो ये है हम देखते हैं, ये 2α और 2β, ये 2α 2β, 2α प्लस 2β, यहां से देखो अल्फा प्लस अल्फा 2α, बीटा प्लस बीटा 2β, पूरा का पूरा एंगल कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री नहीं हो गया,
टू कॉमन निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 90 डिग्री। तो क्या बात समझ में आई हमको, बाह्य कोण समद्विभाजक और अंतः कोण समद्विभाजक के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। एंगल बिटवीन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर इज 90 डिग्री। अंतः कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे और दर्शा दिया। देखो, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, टोटल 2 अल्फा था, तो ये अल्फा और ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 90 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये सब आप समझ रहे होंगे। चलो भाई, नेक्स्ट। अब देखो, त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के ये अंदर के कोण है, इंटीरियर एंगल है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बिटवीन सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए भाई, ये याद रखेंगे यहीं पे। ये त्रिभुज है ना, तो हमने त्रिभुज बना लिया, जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया त्रिभुज, लेकिन इसी भुजा को यदि हम थोड़ा बढ़ा देना ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ये ए, ये बी और ये सी, ये क्या है, बीटा है, बी के साथ बीटा बन रहा है, ए के साथ बन रहा है अल्फा, सी के साथ बन रहा है गामा। ये वाला जो एंगल है ना, इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला एंगल दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, सी का बाह्य कोण, सी का बाह्य कोण किसका, एंगल सी का बाह्य कोण, एंगल सी का या वर्टेक्स सी का बाह्य कोण हो जाएगा। तो याद रखेंगे, त्रिभुज का बाह्य कोण है ये बाह्य कोण हो गया। अगर इसको बढ़ाया तो इसको बढ़ाते बाह्य कोण का कंसेप्ट और आएगा। हम एकदम एक एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, बस थोड़ा याद रखेंगे। यहीं पे हमने बाह्य कोण का कंसेप्ट, एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दिया है। चलिए नेक्स्ट, शीर्षाभिविमुख कोण क्या होता है, याद रखना है, क्या होता है, दो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन, दो लाइंस हैं ऐसी, दोनों एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हैं ना, तो क्या होगा, ये लाइन है ए बी और सी डी, तो जो ये कोण है ना, ये कोण और ये कोण इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ये कोण कौन सा है, वहां पे लिखा है थीटा 2, यहां पे लिखा है थीटा 4, ये वाले कोण थीटा 1 और थीटा 3, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, शीर्षाभिविमुख कोण के कारण, वर्टिकली अपोजिट, शीर्ष अलग हैं भाई, जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही तो ये बना रहा है ना, छोटा सा, और ये बड़ा बना रहा है तो ये भी बड़ा बना रहा है। ये कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिविमुख कोण कहलाते हैं, याद रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं।
चलिए नेक्स्ट, बाह्य कोण आ गया भाई, फिर से देखो बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है, हमने बताया था जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, हमने इसको बाहर बढ़ा दिया। हम अभी तक एंगल कोण का बाह्य कोण निकालते थे ना, अब त्रिभुज का बाह्य कोण जैसे ही बाहर निकाला है, हम बोलते आए हैं ना आपको कि जो जो जिसको बाहर निकालते हो अलग से बनाते हो, उसको ना ऐसे आप क्या कर लें, डॉटेड लाइन में बना लें। कुछ नहीं समझ में आता है कि इसको एक्सटेंड किया है। अब देखो क्या लिया, ए बी सी, ध्यान से देखते जाना बस, ए बी सी, ये बीटा डिग्री है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये गामा है। तो बाह्य कोण क्या हो जाता है, सी का बाह्य कोण ये होगा, हमने बताया है। ये क्या होगा ध्यान देना, हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान देना, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, ध्यान देंगे। अब ये बताओ ये टोटल कितना डिग्री है, 180, इसमें से ये वाला निकालना है हमको बाह्य कोण, मतलब गामा नहीं चाहिए, गामा नहीं चाहिए मतलब क्या हो जाएगा, 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा हो जाएगा ये, इसको 180 माइनस गामा किया, 180 माइनस गामा किया तो ये किसके बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा। तो ये 180 माइनस गामा बाह्य कोण है, ये किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको ऐसे समझो, सी का बाह्य कोण जो होगा ना वो जिसके साथ बन रहा है, मतलब y का, ये गामा का बाह्य कोण है इसका, इसको छोड़ दो, बाकी दोनों कोणों का योग होगा, जो बाह्य कोण होगा वो त्रिभुज के बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अब हमने इसको खींचा है, मान लो हम खींच देते ये वाली रेखा, हम खींच देते ये वाली लाइन को खींच देते भाई, ये लो ऐसा खींच देते, तो ये बाह्य कोण किसके बराबर हो जाता, ये बीटा के साथ का बाह्य कोण है, तो ये बाकी कोणों के योग अल्फा प्लस गामा के बराबर होता। इसको यहां पे समझें आप, इसको ना यहां पे समझें, ये हमने बनाया है आपके लिए, जैसे ये इसको इधर खींच दिया, ये इधर खींच दिया, तो बीटा के साथ बन रहा है तो किसके बराबर होगा, अल्फा और गामा के योग के बराबर होगा। इसको खींच दिया, गामा के साथ बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। इसको खींच दिया बाह्य कोण, इसका बाह्य कोण है, इसको छोड़ दो, बीटा और गामा के बराबर होगा। हम उल्टा करते हैं, ये वाली लाइन को इधर ना खींच के इधर खींचते हैं, ये देखो इधर खींच दिया, जरूरी थोड़ी ना इस लाइन को इधर ही खींचें, इस लाइन को इधर भी खींच सकते हैं, इधर खींच दिया, बीटा के साथ बन रहा है तो अल्फा गामा का योग, गामा के साथ बन रहा है तो अल्फा बीटा का योग, इसको खींच दिया, इसके साथ बन रहा है बाकी दोनों का योग, मतलब किधर भी खींचो बाह्य कोण, बाकी दोनों कोणों के योग, बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। एकदम शानदार कंसेप्ट है, इसको खींच देंगे, ये लो ये बाह्य कोण बन गया, बाहर बन रहा है, किसके बराबर होगा, अल्फा छोड़ो बीटा और गामा के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक बात और देखो, अब देखो ये कोण तो ऐसे हैं, इसको हमने कहा ये बीटा है, ये सबको खींच दिए, अब जितना ट्रायंगल में लाइन था ना सबको खींच दिया, सबको खींचा तो ऐसे 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 बन गया, ये ट्रायंगल था,
सबको खींच दिया भाई, सभी को बाहर खींच दिया, ये सबको बाहर खींच दिया, ये देखो। तो क्या हो रहा है सर, मजेदार है। ये ए था, देखो ध्यान से, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है ना। ये बाह्य कोण होगा, ये बाह्य कोण है, किसके बराबर है, बीटा का बाह्य कोण है, तो अल्फा प्लस गामा के बराबर। अब हम जानते हैं दो सीधी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है। ये अल्फा प्लस गामा है, मतलब ये भी अल्फा प्लस गामा होगा क्योंकि दोनों बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा। या फिर ये वाली लाइन को बाहर खींच दिया, ये बीटा का बाह्य कोण, ये बीटा का बाह्य कोण है तो बीटा को छोड़ के दोनों एंगल्स का योग हो जाएगा, ऐसा भी देख सकते हो, अल्फा प्लस गामा आ गया। ये बाह्य कोण तो है, किसका है, अल्फा का, बीटा प्लस गामा आ जाएगा। ये बीटा प्लस गामा है, ये लाइन क्रॉस कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये भी कितना हो जाएगा, बीटा प्लस गामा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से नहीं कर रहे, इसको इधर बढ़ा दिया, इसका बाह्य कोण है तो बीटा और गामा के योग के बराबर होगा, बीटा और गामा के योग के बराबर होगा। देखो जो लाइट एंगल बराबर हैं उनका ना कलर सेम है, कलर सेम है। ये गामा है, इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, बाह्य कोण दोनों बराबर होंगे, कितने होंगे, ये अल्फा गामा के साथ बन रहा है, बाकी दोनों कोणों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। दूसरे तरीके से देखें, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए दोनों बराबर भी हो जाएंगे। तो क्या बात समझ में आई, बाह्य कोण किसी भी वर्टेक्स पे बराबर होते हैं, दो बाह्य कोण बन रहे हैं, ये दोनों बराबर होंगे लेकिन कैसे होंगे, त्रिभुज के बाह्य कोण किसी वर्टेक्स पे बराबर होंगे लेकिन कैसे होंगे, त्रिभुज के बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होंगे। चलो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अब देखो बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो कंसेप्ट है बाह्य कोण का वो तो था ही, साथ में ये भी है, जितने लाइंस एंड एंगल्स करेंगे ये यूज होगा, तो एकदम प्यार से देखते जाना। दो लाइंस यदि पैरेलल हैं, एक लाइन दो लाइन, दो लाइन यदि समांतर हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस हैं इसलिए एरो तो बनाना पड़ेगा। याद रखो लाइंस को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी हमने बताया है और सी डी, ये कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं ना, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। यदि स्मॉल से करना चाहते हैं, स्मॉल लेटर से, तो एक ही तरफ, एक ही तरफ लिखेंगे, जैसे एल एम, दोनों तरफ नहीं लिखते, स्मॉल से करते हैं। तो चलो ये एन हो गया, अब ध्यान से देखते जाना, ये रिजल्ट याद रखना है सभी बच्चों को। मान लो ये वन, अच्छा वन इधर लिखा है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है। तो याद रखो वन और थ्री बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने पढ़ लिया है। टू और फोर बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वन थ्री येलो येलो बराबर हैं, टू और फोर जो ऑरेंज ऑरेंज हैं ये बराबर है, फाइव सेवन बराबर होंगे, सिक्स और एट बराबर होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल में। चलो भाई बहुत बढ़िया। एक चीज और याद रखो, ये टू जो दिख रहा है ना, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं और दोनों को एक लाइन काट रही है, तो जितना टू होगा उतना सिक्स भी होगा, याद रखिएगा। ये हो जाता है संगत कोण, कौन सा कोण कहते हैं, संगत, करस्पॉन्डिंग एंगल।
दो पैरेलल लाइंस हैं, एक कट कर रही है, तो इस तरफ का ये ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो ट्रांसवर्स लाइन के इस तरफ और ऊपर लाइन के, ट्रांसवर्स लाइन के इस तरफ और ऊपर दोनों बराबर होंगे। सेम ट्रांसवर्स लाइन के इस तरफ और ट्रांसवर्स लाइन के इस तरफ और इसके ऊपर वाले बराबर होंगे, तो एक और पांच भी बराबर होगा। दो छः बराबर, एक पांच बराबर, चार आठ बराबर, तीन सात बराबर, किससे बराबर होंगे? संगत कोण से। क्या कोण कहते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये बात समझ गए? टेंशन नहीं लो, ये पूरा लिखा हुआ है, हम आपको दिखा देंगे। जो चार है ये बराबर होगा छः के। ये कैसे बराबर है? अल्टरनेट है। देखो अल्टरनेट मतलब ये एक इस तरफ एक इस तरफ, एकांतर बोलते हैं, एक इस तरफ का तो एक इस तरफ का। अब क्योंकि लाइंस के अंदर बन रहा है ना दोनों लाइंस के, इसलिए अंतः अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर अंदर है, अल्टरनेट एंगल सेम, ये वाला कोण बाहर बन रहा है और ये बाहर है। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाहर के बाह है एकांतर कोण, बाह एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो किस किस तरीके से बराबर हैं ये हम दिखा रहे हैं आपको। और देखो एक साइड के जो कोण है ना, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल तीन और एंगल छः कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। ये तो हो ही जाएंगे दो, एक और दो, क्योंकि लाइन के एक तरफ बन रहे हैं, लाइन के एक तरफ पूरा कोण बन रहा है ना, तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके इस तरफ और इस तरफ वाले ये दोनों का योग भी 180 डिग्री, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिजल्ट याद रखेंगे। अब देखो इसको, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, इन दोनों का योग कितना डिग्री हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। इन दोनों का योग भी कितना डिग्री हो जाता है? 180 डिग्री। ये आपके सामने लिखा हुआ है। कैसे? सिरसा भी विमुख कोण, हम एक बार और बना दे रहे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं भाई, और एक लाइन ऐसी कट कर रही है, और इस तरफ ऐसा है, इस तरफ ऐसा है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये L है, M है, N है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? एक और तीन बराबर होंगे, दो और चार बराबर होंगे, पांच और सात बराबर होंगे, छः और आठ बराबर होंगे। दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर। करेस्पॉन्डिंग एंगल हमने बताया, दो और छः, दो और छः, एक और पांच, एक और पांच, चार और आठ बराबर होंगे, नीचे नीचे के चार आठ, तीन और सात बराबर होंगे, नीचे नीचे के तीन सात। एकांतर कोण, एकांतर में अंतः एकांतर कोण देखते हैं, अंतः एकांतर कोण ये हो जाएंगे चार और छः, तीन और पांच। अंतः एकांतर कोण में, अच्छा ये अंतः एकांतर कोण ऊपर वाला है, देखो ये अंतः एकांतर कोण ऊपर वाला है जी, ये अंतः एकांतर कोण है, और जो ये है ना, ये है बाह्य एकांतर कोण। अब देखो अंतः एकांतर कोण कौन सा है? चार और छः, चार और छः बराबर हैं, तीन और पांच बराबर है, अंतः एकांतर कोण, क्योंकि अंदर बन रहे हैं। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य मतलब बाहर,
और एकांतर दो का एकांतर आठ, बाहर बाहर का दो आठ बराबर है, एक और सात बराबर है। जो रिजल्ट हमने कहा है सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये वाला याद रखेंगे, क्या है? एक तरफ के कोणों का योग एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 और एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिए ये पूरा कंसेप्ट लाइंस एंड एंगल्स का कर लिया, हमने कहा था एक दो क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है। देखिए 70 डिग्री कोण का पूरक कोण क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या जानते हैं हम, 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं होता, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना डिग्री आएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। राइट आंसर है, कौन से एग्जाम में पूछा गया है, 2018 में। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कोण जो अपने पूरक कोण से 20 अधिक है। चलो देखते हैं कोण, वह कोण है मान लेते हैं थीटा, इसका पूरक कोण, पूरक कोण मतलब 90 माइनस थीटा 9, द एंगल विच इज 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कोण इससे 20 ज्यादा है, ये ज्यादा है 20, मतलब दोनों का डिफरेंस ले लिया तो 20 नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये 20 ज्यादा है तो इसको घटा दिया इसमें से तो 20 आ जाएगा। तो थीटा माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, 90 डिग्री इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 110 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 55 डिग्री आपका क्या है, राइट आंसर है। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सहायक ग्रेड 3 2017 में, वह एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये बड़ा है, ये बड़ा है किससे, इससे कितना, 20, तो दोनों का डिफरेंस 20 आ गया, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है, अनुपूरक कॉम्प्लीमेंट्री का 5 गुना है। एक कोण है इसका 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री अनुपूरक का 5 गुना कौन है, ये है ये कोण ना, इसका इसका इस का मतलब गुणा, कितना गुना है, 5 गुना, बराबर है कहता है, कैसे बराबर है, ये कोण बराबर है किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब गुणा 5 गुना के। तो चलो 5 निया 45 450 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये 6 थीटा हो जाएगा, 450 थीटा इज इक्वल टू 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30 डिग्री, क्या आंसर आ रहा है, 75 डिग्री इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त है, मजेदार है, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। देखिए कोण के का संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस के। अच्छा सप्लीमेंट्री कहा है, सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 180 माइनस के। और कोटिपूरक कोण कितना है, कोटि पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, 90 माइनस के, कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस के होता है, सप्लीमेंट्री इतना होता है। ये कितना दिया है, सप्लीमेंट्री एंगल कितना दिया है भाई, 12x + 4 डिग्री,
और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना दिया है 6x। तो हमको क्या पता है भाई, हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है। सर दोनों के बीच का डिफरेंस 12x प्लस 4 डिग्री माइनस 6x, ये हो जाता है 90 डिग्री। हमने बताया है आज की ही क्लास में, सर ऐसा हो जाता है, ये रिजल्ट तो हमको पता है, 12x में से 6x चला गया, 6x बचा, 4 इधर चला जाएगा, 86 डिग्री आ जाएगा। क्या पूछा है, k का मान पूछा है, तो भाई k का मान क्या आएगा। देखो हमको 6x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6x की वैल्यू 86 मिल गई। हम क्या जानते हैं 6x किसके बराबर है, 6x है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 90 माइनस के। 6x, ये 6x है किसके बराबर है 90 माइनस के। हमको क्या चाहिए, 6x की वैल्यू 86 आ गई, 90 माइनस के की वैल्यू निकालनी है, के इधर ले आते हैं, 90 डिग्री माइनस 86, कितना डिग्री आया, के की वैल्यू 4 डिग्री आपका राइट आंसर है भाई। आप चाहें तो इसको x की वैल्यू यहाँ रख के यहाँ भी कर सकते हैं, पर इतनी मेहनत क्यों करना, 6x की वैल्यू दी गई है, 6x की वैल्यू 86, ये 6x ही है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को इसके बराबर कर दिया, k की वैल्यू आपको आ गई। चलिए उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी, कंसेप्ट समझ में आया होगा, इसका अच्छे से नोट्स बना लें। हम आपको इस चैप्टर में कम से कम अभी तक 67 क्वेश्चन की सीट बनाई है, सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। चलिए अच्छा, ये हॉस्टल वार्डन का डेडिकेटेड बैच हमारे यहाँ सोमवार से शुरू होने वाला है, तो इसको आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी उस नंबर से चूक जा रहे हैं, तो अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करने के लिए और अच्छे से कैसे स्कोर करें, इसके लिए कुछ आप आके हमसे क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के ज्वाइन करने के लिए ये नंबर्स हैं, इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैथ्स रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स रीजनिंग का नया बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 3 क्लासेस मैथ्स रीजनिंग की चल रही हैं, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, और फिर 4:30 से 5:30। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सारा का सारा मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स यहां पे आपको कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए अच्छा, यदि छात्रावास अधीक्षक के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज हमारे शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में चल रही है, 15 जुलाई से 12 सितंबर का शेड्यूल है ये, क्योंकि आपका पेपर 15 सितंबर को होने वाला है, तो 2 महीने का ये शेड्यूल है, जिसमें टोटल टेस्ट कितने, नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, 16 टेस्ट हैं, नंबर ऑफ टेस्ट संख्या जो है 16 है, जिसमें आपको मॉड्यूल वाइज प्लस कंप्लीट मेगा टेस्ट होगा। मॉड्यूल वाइज 8 टेस्ट होंगे, 8 टेस्ट जो है मॉड्यूल वाइज है, 2 मॉड्यूल में किया है, कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर का और इंग्लिश का, कॉन्स्टी जियोग्राफी और योगा, चाइल्ड साइकोलॉजी का 1 मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल मैथ्स हिंदी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री साइंस CG और करंट अफेयर्स का है। इसके बाद ना आपको कंप्लीट मेगा टेस्ट होने वाला है, ये मेगा टेस्ट हैं, 8 मेगा टेस्ट टोटल होने वाले हैं, जिसकी फीस है मात्र 499 रुपये। ऑफलाइन और ऑनलाइन यदि करना चाहते हैं तो 16 टेस्ट मात्र 200 रुपये में, 199 रुपये में मिल रहे हैं। यदि ऑनलाइन करना है तो पहले के 2 टेस्ट तो फ्री हैं,
उसके बाद के सारे टेस्ट आपको परचेस करने होंगे सिर्फ 199 रुपए में। शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, वहां से आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, उसमें आपको ये क्लास की पूरी PDF नोट्स फॉर्म में, सीट के फॉर्म में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में, जहां पे अपन क्या करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स के बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए थैंक यू।